Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 25th of our government job vocab series. In this video I'm going to teach you 5 very important, significant, valuable words so that you can crack government exam very easily. I have taken the words that has already been asked in different competitive exams like SSC, banking, IAS, PCS and other very important government exams. You know, throughout the year you will come across so many exams, so it's very difficult for me to take the name of each and every competitive exam, isn't it? So watch this video till then. After watching this video you are going to have the proprietors of 5 words. Wow, isn't it? Wow. Anyway, welcome you all to my channel. Here we go. The first word is acquaint. Acquaint is a word. What does it mean? Yaar, main isko ek example se samjhata hu, hai na? Oh, this is a guitar. This is a guitar I have purchased 2 days back, right? So I just want to. मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट लेट मी कीप इट असाइड. ओके, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं अभी रिसेंटली इसको परचेस किया हूँ, 1 वीक हुआ है. तो मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा सा आराम आराम से करके अपने आप को फैमिलियर बना रहा हूँ. मतलब कि थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाऊँगा. तो मैंने ऐसे ऐसे किया. ऐसे क्या मतलब, मैं अपने आप को फैमिलियर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्वेंट कर रहा हूँ. सो एक्वेंट का मतलब होता है टू फैमिलियराइज योर सेल्फ विथ समवन और समथिंग इज वॉट एक्वेंट, राइट? तो अपने आप को फैमिलियराइज करना, अपने आप को फैमिलियर बनाना is acquaint, right? Second word is effectual. Effectual is an adjective. What does it mean? Effectual means effective and successful. अब जैसे इंडिया और चाइना के बीच में अभी देखो फिलहाल गलवान वैली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? गलवान वैली में इन चाइना है जो अननेसेसरी इंडिया को ट्रबल कर रहा है, राइट? और यूएसए भी इस चीज़ को यू नो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि नो वॉर शुड बी हैपन. आई मीन एवरीथिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड शुड चाइना शुड बी यू नो मिटिगेट. लेकिन वो कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर इफेक्चुअल नहीं हो रहा है. लेकिन इफेक्चुअल का मतलब होता है इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल. अब मान लो यार तुम एक स्ट्रेटजी अपनाए कि यार मैं रात में पढ़ूँगा, क्योंकि रात में थोड़ा सा शांति सी होती है और जिससे कि मैं चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड करो. दिन में यार शोर थोड़ा होता रहता है यार, अब दिन में ही काम होती है, ऐसे तो यार रात सोने के लिए बना हुआ है. लेकिन इट्स फाइन समटाइम्स टू टेक रिस्क एज फार एज टू गेट एनीथिंग, राइट? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ यू नो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बीइंग, यू नो इट्स नॉट यू आर गोइंग टू डू द सेम यू नो फॉर मैनी ईयर्स. फॉर इट कुड बी लाइक फॉर 6 मंथ और 1 ईयर यू हैव शिफ्टेड योर यू नो वर्किंग आवर एट नाइट इंस्टेड ऑफ डेज, इंस्टेड ऑफ एट यू नो इन अर्ली. यू आर नॉट एन अर्ली बर्ड काइंड ऑफ, यू आर इन नाइट आउल. यू हैव ऑप्टेड फॉर द टाइम बींग सो दैट यू कैन क्रैक एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम, राइट? सो तुमने ये क्यों किया, इसलिए क्योंकि तुम इफेक्टिव हो सके और जिससे तुम सक्सेसफुल. सो दिस इज वॉट इफेक्चुअल, राइट? आई होप यू गैट इट, राइट? थर्ड वर्ड इज बी साइज. BESIEGED इज एन एडजेक्टिव. वॉट डज इट मीन? अभी यार जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया गलवान वैली में चाइना ने इंडियन टेरिटरी में अपने जो सोल्जर्स हैं लगा रखे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि दे आर इन द मूड टू अटैक फोर्सफुली, जिससे कि इंडिया सरेंडर कर. लेकिन कम ऑन इंडिया, कम ऑन. सो ऑफ अ प्लेस सराउंडेड बाई आर्म फोर्सेज एमिंग टू कैप्चर इट और फोर्स सरेंडर. फोर्स सरेंडर मीन्स चाइना का भी अप्रोच है यार कि अटैक करो और इंडिया को यू नो
बिल्कुल बैक डाउन कर दो कि जैसे इंडिया पीछे हट जाए और मतलब ठीक है यार सरेंडर में कर दो तुम और कैप्चर कर लो, लेकिन यार दिस इज़ नॉट राइट राइट. सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ बीसाइज्ड, दिस इज़ बीसाइड इज़ एन एडजेक्टिव होता है. अभी जैसे गलवान वैली में सेम चीज़ें चल रही है, चाइना ने बहुत सारे वहाँ मिलिट्री अपने लगा रखे हैं और कुछ ना कुछ हमेशा वो अटैक करते रहते हैं या फोर्स करते हैं इंडियन को टू सरेंडर सो दैट ही कैन एक्वायर मोर स्पेसेस. चाइना बेसिकली ग्लोबल पावर बनने की कोशिश कर रहा है. लाइक राइट नाउ वी ऑल नो दैट अमेरिका यूएसए इज़ अ ग्लोबल पावर, यू नो नो वन कैन इवन डेयर टू अटैक ऑन यू नो, क्योंकि एज लाइक इंडिया में जैसे हमारी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे जो 60-70% ऑफ द वर्ल्ड जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. सेम वे यूएसए में क्या है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है दैट इज़ दिस बॉम्ब बनाना एंड उसको सेल करना. जैसे इंडिया कितने करोड़ों रुपये हर साल यूएसए को देता है और परचेज करते हैं और हम उस पर हम भी अपने आप को सुपर पावर बनते हैं, लेकिन यार सुपर पावर बनने के लिए जैसे यूएसए मतलब ही इज़ मैन्युफैक्चरिंग, तो यार यू कांट कॉम्पिटिट विथ यूएसए. ऑल यू कैन डू इज़ टू परचेज, अल्टीमेटली यू आर यू नो मेकिंग सम कंट्री प्रॉस्पर राइट. सो परचेजिंग इज कांट मेक यू सुपर पावर, इंस्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स कैन मेक यू सुपर पावर. एनी वे तो ये क्या क्या करते हैं, जैसे वही यार गलवान वैली में आजकल चल रहा है इंडिया चाइना में, तो बिसाइज का मतलब यही होता है. आई होप यू गॉट इट. फोर्थ वर्ड इज ट्रेंच. ट्रेंच के लिए मैं ये पिक देखो, पिक देखा राइट, अ डीप होल डग बाय सोल्जर्स एंड यूज्ड एज अ प्लेस फ्रॉम विच दे कैन अटैक द एनिमी व्हाइल बींग हिडन राइट. इस पिक्चर से भी क्लियर हो रहा होगा कि एक 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 एरिया को, एरियन तो नहीं, एक स्पेस को खोदा गया है जिसमें देखो सोल्जर्स छुपे हुए हैं, वो अटैक कर सकते हैं ना, वो अपने आप को हार्म भी नहीं कर पाएंगे और यू नो एनिमीज पे अटैक भी कर पाएंगे राइट. इस पिक्चर से बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज क्लैरियन कॉल. व्हाट डज इट मीन, क्लैरियन कॉल इज अ नाउन. क्या मतलब होता है क्लैरियन कॉल का, मतलब होता है अ वेरी क्लियर मैसेज और इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट एक्शन इज नीडेड. अभी जैसे इंडिया पे, इंडिया में क्या होता, 45 जो सोल्जर्स थे कश्मीर में वो किल हो गए थे बाय यू नो एक रैंडम कार से अटैक हुआ था, एक्सप्लोजन हो गया जिससे 50 जो हमारे सोल्जर्स थे तो अटैक हुआ था. हमें गुस्सा आया और हमने प्लान आउट किया. एक क्लियर मैसेज नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन टू द सोल्जर्स है कि तुम्हें ये करना है. ऐसा नहीं था कि रैंडमली कुछ भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, हमें ये पता था कि उनके जो ट्रूप्स हैं उन पे अटैक करना है. तो एक क्लियर कट मैसेज था, एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था दैट आर सोल्जर्स हैज़ हैड फॉलोड राइट. सो दैट इज़ वॉट दैट इज़ clarion call. So this is me signing off from this video. Have a great time yourself and yeah, subscribe karo this channel ko, share karo this video ko aur like karo. Liking is something what you are appreciating my work. If you are really appreciating it, subscribe, you know, like karo, share karo so that some more and more number of students get benefited from subscribe this channel so that whenever I will upload my videos you will get without any hurdle right. So me signing off from this, have a great day.